रामगढ़ में महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, मोटे अनाजों के बताए फायदे। रामगढ़ में स्थित अम्बेडकर छात्रावास प्रांगण में कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मोटे अनाजों के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अंगद मेधी व कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र के कार्यकारी निदेशक अहिदम सिन्हा रॉय ने मोटे अनाजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मोटे अनाजों का अधिक से अधिक सेवन करने की बात कही और उनसे होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में उपस्थित जैसलमेर के कृषि अधिकारी शिव प्रकाश बावलिया ने बाजरे का सेवन करने की सलाह देते हुए कहा कि खाने में गेहूं के स्थान पर बाजरे की रोटी खाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को मोटे अनाज से होने वाले फायदों की जानकारी देना तथा इन्हें अपने जीवन में उपयोग करने हेतु जागरूक करना था। कार्यक्रम में मोटे अनाज पर किए जा रहे सरकारी प्रयासों के बारे में भी बताया गया तथा सभी को अपनाने की सलाह दी। मुख्य अतिथि द्वारा मोटा अनाज शिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस एक दिवसीय कार्यशाला में रामगढ़ के अलावा रागवा, सेवा, रायमला, तेजपाला, नेतसी आदि गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, परियोजना प्रमुख अनुपम रॉय, ग्राम विकास अधिकारी चंदनाराम सुथार, सरपंच प्रतिनिधि सोनू भार्गव, प्रबंधक संकेत कुमार, कृषि अनुसंधान अधिकारी डी के मीणा, देवाराम मेघवाल, राजेश बारूपाल, उमाराम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कार्यकारी निदेशक अरिदम सिंह रॉय ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।